महाभारत में किससे पराजित हुए थे अर्जुन? महाभारत में अर्जुन को सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है। मित्रों, अर्जुन का विवाह उलूपी से भी हुआ था। उलूपी के एक साने पर ही बभ्रुवाहन ने अर्जुन से युद्ध किया था। बभ्रुवाहन और अर्जुन दोनों के बीच भीष्म युद्ध शुरू हो गया था और इसी भीषण युद्ध में बभ्रुवाहन ने अर्जुन को पराजित कर दिया था। दोस्तों, युद्ध के समय बभ्रुवाहन जवान था, उसने अपने तीखे बाणों से अर्जुन पर प्रहार करने चालू किए थे। दोस्तों, बभ्रुवाहन के प्रहार से ही अर्जुन वहां बेहोश हो गए थे और इसी दौरान बभ्रुवाहन की दूसरी माँ चित्रांगदा भी वहां पर आ गई थी। चित्रांगदा अर्जुन को इस हाल में देखकर वहां पे फूट फूट कर रोने लगी थी। दोस्तों, चित्रांगदा को रोते हुए देख नागकन्या उलूपी ने बभ्रुवाहन को संजीवनी मणि देकर कहा कि वह अपने पिता की छाती पर रख दे, यानी कि अर्जुन की छाती पर रख दे, और उन्होंने ऐसा करने पर अर्जुन तुरंत जीवित हो गए थे और बेहोश पड़े अर्जुन को बभ्रुवाहन ने संजीवनी मणि से जीवित कर दिया था। कैसा लगा आपको आज का ये फैक्ट जान के कि बभ्रुवाहन ने अर्जुन को एक बार युद्ध में परास्त किया था, मगर इसका कारण क्या था और ईश्वरों का श्राप मिला था अर्जुन को तो उसकी पूर्ति कैसे हुई? वेट करिए अगले वीडियो का, सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसी वीडियोस छूटे ना। सब्सक्राइब कर दीजिए अगले पार्ट के लिए। जय श्री कृष्ण। अवश्य लिखिए दोस्तों, रशार वर्ल्ड हॉरर मिस्टीरियस भक्ति रिलेटेड वीडियोस लाएगा। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों।